नाम है हमारा विपिन मालवी और आप देखना शुरू कर चुके हैं संस्कृति परिवार। हम हमारे साथ में ईश्वर भाई जमीदार आपसे निवेदन है कि हम अच्छा सीख रहे हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत साधुवाद आप सभी लोगों को दान करने। कार्यक्रम में थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती है, उसके लिए सभी से क्षमा प्रार्थी है। अब अगले कार्यक्रम के मंच पर उपस्थित हैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री उमेश के साथ भैया यहाँ पे भरपूर में हमारे जिला अध्यक्ष भी रहे हैं। उनके गौरव में कार्यक्रम में बहुत बहुत लोबनसी जिला सचिव जयराम लोबनसी संगठन मंत्री सतीश जी साहब प्रवीण की लोबनसी दीपा की लोबनसी प्रचार मंत्री प्रफुल्ल की लोबनसी दलित साहब जी नगर इकाई सचिव हरि भजन की लोबनसी कालवासी ग्राम इकाई बारापाटा अध्यक्ष अशोक की लोबनसी ग्राम इकाई उपाध्यक्ष मुकेश साहब ग्राम इकाई कोषाध्यक्ष बरदान की लोबनसी प्रचार मंत्री अशोक। हमारे पास जिला राजगढ़ से श्री इंद्र सिंह जी लोबनसी लोहा प्रदेश उपाध्यक्ष लोधा लोधी संगठन से पधारे हैं। श्री एम एन जी लोबनसी प्रदेश उपाध्यक्ष लोधा लोधी राजपूत श्री युवा सेना से पधारे हैं। श्री रविराज जी लोधा प्रदेश संयोजक हिमालय परिवार हमारे बीच में बहन बंदा लोबनसी गुना से पधारी हुए हैं। श्री मोहनलाल जी लोबनसी युवा जिला अध्यक्ष राजगढ़ श्री मनोहर जी लोबनसी युवा जिला संगठन मंत्री राजगढ़ श्री जगजीत सिंह लोबनसी ब्लॉक अध्यक्ष जीरापुर श्री मुले मुकेश जी लोबनसी ब्लॉक उपाध्यक्ष जीरापुर श्री तरुण पटेल जी और इन्हीं का सहयोगी बहुत ही खास हमारे आनंद में श्री सुनील जी साहब राजनारायण जी लोबनसी और हमारे मेरे बहुत ही करीबी बहुत ही खास जिनको मैं बहुत ढेर से मानता हूँ हमारे बड़ा भाई श्री ईश्वर जी जमीदार। इनके रखे कम शब्दों का मतलब यह नहीं कि मैं आपको बांध रहा हूँ। यदि आपके अंदर युवा संगठन के प्रति समर्पण भावना है तो बांध सर्वेषां सदा कुर्वन्तु मंगलं रुद्राक्षराभ्यां पदां हिमालय
ग्रेट नेम ब्रह्म राज्य सिद्धनाट्यम वंदे भारत मातरम वंदे भारत मातरम। माँ भारती को नमन करते हुए आज उस परम पूजनीय माँ रेवा नर्मदा की गोद में बसे उस बहुत ही पुनीत भूमि को आपके चरणों में नमन। तत्पश्चात मंच पर विराजमान हमारी समाज की बहने दोनों बहनों के चरणों में नमन। मंच पर आसीन यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष युवा संगठन श्री विवेक साथ जी, युवा संगठन के संस्थापक सदस्य श्री अजीत रोहनसी जी एवं मंच पर विराजमान सभी जिले के पदाधिकारीगण और मध्य प्रदेश के जहाँ जहाँ भी हमारी लोवंशी समाज विराजमान है वहाँ से पधारे हुए सभी स्वजातीय बंधुओं को मेरा सादर नमस्कार। आज बहुत ही गर्व की बात है कि होशंगाबाद जिले में युवा संगठन जिला अध्यक्ष भाई रामशंकर लोवंशी, क्योंकि मैं देखता रहा हूँ, मैं कम से कम 10 से 15 साल से समाज की सेवा करता रहा हूँ, तो हम सब लोगों को ये सोचना होगा, ये समझना होगा कि यदि जब भी वो चुनाव राजनीतिक चुनाव आता है तो हमारे जो समाज बंधु होते हैं चाहे वो ग्राम पंचायत में हो, जिले पंचायत में हो, एक से लेके 4-5 लोग खड़े हो जाते हैं, उसका परिणाम क्या भुगतना पड़ता है हम लोगों को, क्योंकि सामने वाला जो अदर समाज से जो दूसरे समाज से होता है वो उस पद के लिए जीत जाता है, हम लोग हार जाते हैं, तो हमें ये सोचना होगा, समझना होगा और उसके लिए एक समिति बनानी होगी जिसके लिए हमें यह बैठकर यह तय करना होगा कि किस पद के लिए कौन सा व्यक्ति योग्य है और कौन सा व्यक्ति अयोग्य है, उस समय हमें उसको खड़ा करना होगा, क्योंकि कभी कभी समाज में और राजनीति में हमारे कुछ लोगों ना बोलने के कारण ऐसा होता है कि अयोग्य व्यक्ति बन जाता है, उसके कारण पूरे समाज को पूरे राष्ट्र को उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। तो मेरे युवा साथियों, मैं सबसे ये आह्वान करता हूँ कि जब भी कोई ऐसा लगे आपको कि हमेशा कोई अगर व्यक्ति गलत है तो गलत के खिलाफ आप बोले और सही व्यक्ति का साथ दें, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है, सबसे बड़ी कमी है, क्योंकि हम जब भी समाज में समस्या आती प्रॉब्लम आती है तो हम सही व्यक्ति का साथ नहीं देते और गलत व्यक्ति का विरोध नहीं करते, ये हमें करना अनिवार्य होता है। इसके लिए हमें हम लोग दृढ़ संकल्प लो। और दूसरी बात आती है शिक्षा की, तो शिक्षा के क्षेत्र में मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो आज शिक्षा के माध्यम से ही हम लोग दुनिया में विजय प्राप्त कर सकते हैं, हमारे समाज को आगे बढ़ा सकते हैं, राष्ट्र को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आज दुनिया आज किस यहाँ से पहुंच आज दुनिया जहाँ पे है, आज हम पृथ्वी से लेके पृथ्वी के ब्रह्मांड का एक चक्कर सब एक दिन में लगा सकते हैं और यहाँ पर बैठे बैठे मोबाइल के माध्यम से इस इंटरनेट के माध्यम से हम जो चाहे कर सकते हैं सब हुआ हमारे वैज्ञानिकों ने किया और हमारे वैज्ञानिक जो बने वो पढ़ाई से बने। हर व्यक्ति एक दृढ़ संकल्प हो और देश के और समाज के लिए राष्ट्र के लिए कुछ करने के लिए अपने अंदर दृढ़ संकल्प करे और कुछ करने की भावना रखे, क्योंकि मैं कहना चाहूंगा कि मैं ये नहीं कहूंगा कि आप बॉर्डर पर जाकर आप आर्मी में भर्ती होकर या पुलिस बनकर देश की सेवा कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। आप समाज की सेवा करने का आपके अंदर भावना है, राज्य की सेवा करने की यदि आपके अंदर अगर भावना है तो आप हर समय एक बिजनेसमैन बनकर एक व्यवसायी बनकर एक आप शिक्षक बनकर और किसी भी माध्यम से आप देश की समाज की राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं, बस आपके अंदर उस चीज का जुनून और जोश होना चाहिए, क्योंकि आज देखते आ रहे हैं कि हमारे युवा कहीं ना कहीं उनको अभी कुछ जैसे कि कहा था करियर गाइडेंस की वजह से कहीं ना कहीं भटक जाते हैं। हम पढ़ाई तो करते हैं, पढ़ाई तो अभी तक करते रहते हैं, लेकिन होता क्या है उसमें पैर खींचने की बजाय आप हाथ खींचे किसी का, कोई अपना ऊपर आ जाए, कोई अपना ऊपर आ जाएगा तो कल तुमको भी ऊपर लेके जाएगा। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा जो आप जिसका हाथ पकड़ के ऊपर ले जाओगे कल वो तुम्हारा पैर पकड़ कर पीछे खींचेगा, क्योंकि यदि सुधार लाना है तो खुद के अंदर से लाना होगा। हम क्या करते हैं कि साहब खुद के नीचे तो अंधेरा होता है और हम सोचते हैं यार दूसरा हमें उजाला दे, होगा क्या नहीं आप पता होगा क्या, हमें आज किसी के साथ बर्ताव करना है, कोई सामाजिक व्यक्ति के साथ किसी के साथ हम अच्छा करना चाहते हैं, यदि हम अच्छा करेंगे तो वो हमारे साथ अच्छा करेगा, नहीं तो हम कल्पना नहीं कर सकते कि भैया हम किसी का बुरा करें और वो हमारा भला करे, नहीं हो सकता। इसलिए मैं बोलता हूँ कि युवाओं का जागरण और जागृत युवाओं द्वारा राष्ट्र निर्माण, हम बोलते हैं जैसे मैं विद्यार्थी परिषद से और RSS से बिलोंग करता हूँ, क्योंकि हमें तो सिखाया जाता है कि समाज कोई नहीं, समाज एक विषय
बोलता हूँ ना कि एक मंच पे खड़ा हूँ, तो आज एक जो बैनर के नीचे खड़ा हूँ, तो एक लोधा लोबनसी समाज के उस बैनर के नीचे खड़ा हूँ, लेकिन आज यहाँ पर खड़ा हूँ तो सिर्फ लोधा लोबनसी समाज की बातें कर रहा हूँ, और यदि बाहर जाऊंगा तो समस्त समाज की बात करूंगा, जो राष्ट्र के लिए सर्वोपरि होगी उस समाज की बात करूंगा, उस समाज की बात करूंगा। और यदि समाज के बगैर यदि कल्पना की जाए तो आप कोई कुछ नहीं हो। आज आपका समाज, हमारा समाज यदि मजबूत होगा, हमारा देश का युवा और समाज के समाज बंधु यदि मजबूत होगा तो समाज भी मजबूत हो जाएगा और राष्ट्र भी मजबूत हो जाएगा। क्योंकि आज देखा जाए, मुझे भी पीछे मिला था कि भैया आपको इस पे बोलना है, तो मैंने कहा ठीक है, युवाओं पर बोल देंगे, शिक्षा पर बोल देंगे, सब पर बोल देंगे, लेकिन मैं एक चीज कहूंगा युवाओं से भी, आप समाज का जो भी व्यक्ति हो, अधिकारी हो या फिर राजनेता हो, तरह तरह के लोग हो, आप जो भी जिनसे आपके संबंध हो, मैं ये कहूंगा रोजगार का क्षेत्र हो या शिक्षा का क्षेत्र, यदि कोई अपना है, कोई समाज का व्यक्ति कोई आगे बढ़ रहा है, आप उसका हाथ खींचिए, हाथ खींचिए, और शिक्षा के क्षेत्र में चाहे वो व्यवसाय हो कोई सा भी हो, आप उनकी मदद करें, तो वाकई में आज समाज यहाँ तक पहुंचा है। सिवनी के जो होशंगाबाद जिले के सिवनी में 11 जिले के 11 अध्यक्ष पहुंचे हैं, और भारी संख्या में आज समाज के जागरूक युवा पहुंच मिलाएगा भाई, और इन सिंहों से मिलाने का कार्य भाई साहब ने करके आज दिखाया, उनको हम बारंबार प्रणाम करते हैं। इनकी लगन, इनकी मेहनत, आपने देखा होगा कई प्रकार की ताकतों ने आपके पास फोन किया होगा कि भाई साहब ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको आने की जरूरत नहीं है, अब तक ये बताया है, याद है आपको, 13 सूट से उतारा जाता है हमारा नेतृत्व करने वाले, जिनकी भुजाओं में रक्त बहता हो, ये जिनके देखते आप ऐसे सिंह की औलादे हैं कि जो धरती को आकाश को चीर कर रख दे, परंतु नेतृत्व हमें कैसा मिलता है, मैं किसी पर कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, मुझे मेरा ऐसा नेतृत्व चाहिए जो इन युवाओं को सिंहों की तरह धारना सिखाए, इन युवाओं को आगे बढ़ना सिखाए, इन युवाओं को यहां से लेकर पूरे राष्ट्र का नेतृत्व करना सिखाए, ऐसा मेरा देश का, मेरे समाज का नेतृत्व होना चाहिए। क्यों नहीं मिला हमें, क्यों नहीं मिला, चंद लोलुपता, अपने आप का बड़प्पन और विभिन्न प्रकार की समस्याओं से समाज जूझ रहा है, बार बार चीज आई कि युवक को हाथ पकड़ के नहीं खींचा जाता, टांग खींचा जाता, भाई क्यों, क्यों ऐसी चीज है, आप युवाओं की ताकत को नहीं जानते, आप भी एक दिन युवा रहे होंगे, क्या होता है युवा, और नहीं है, अभी हमारे एक प्रोग्राम हुआ था तब कार्तिकेय जी आए थे, उन्होंने कहा था युवा क्या है, कि जिसके माथे पर दर्द हो, दिमाग में तेज हो और पैरों में रफ्तार हो, तो वो रफ्तार ही युवाओं में है, और युवा क्या होता है, इसको चंद पंक्तों के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि युवा वह है जो कि जीना और मरना जानता है। साहब आप नहीं जानते, आप डर जाते होंगे कि समस्याओं से झुक जाते होंगे, कि चीज आपको घूम लेती होगी, कि वह युवा वह है जो कि जीना और मरना जानता है, और गर्व में ज्वालामुखी के उतरना जानता है। भाई हम जब गर्व में उतरना चाहते हो तो क्यों उतारना नहीं चाहते हो, ये पूरे देश के युवाओं से आने मेरा मेरे सिंधी मालव के सभागार से ही हुई है, देश का युवा वहां है जो जो चाहे वो कर सकता है, और अब हवाओं के जोर से पर्वत युवा खेलता है, और नरक के जितने भी खेल सब युवा खेलता है, युवा खेलता है, और ये खेले हमने, चार चार धारा हमारे सिर के ऊपर है, पर गर्व होता है कि हमने समाज के अतताइयों का विनाश करके हमने अपने ऊपर धाराएं ली। अगर किसी को छेड़ देते हैं, किसी की चोरी कर लेते हैं, तो हमें कोई गर्व नहीं होता, हम कलंकित होते हैं, पर आज हमें गर्व होता है, सीना चौड़ा करके जाते हैं कि समाज के अंदर के जितने भी ऐसे पद लोलुपता या फिर स्वार्थपन के लोकपन अपराय, उनका विनाश करने के लिए हमने बीड़ा उठाया है, परंतु क्यों, और अगर हम जागरूक नहीं रहेंगे, आप यकीन मानिए 70-80 सालों से हमने क्या पाया, एक विधायक। इस कार्यक्रम को लगभग 4 बजे समाप्त हो जाना था, लेकिन थोड़ी सी बड़ा मामला था, इसलिए थोड़ा सा इसलिए क्षमा चाहते हैं हम लोगों से, एक बार जयकारा लगाएंगे, भारत माता की, भगवान लजेश्वर की, भगवान लजेश्वर।
बहन वृंदावन सिंह, ब्यावरा से पधारे हमारे भाई श्रीमान इंदर सिंह जी लब्बन सिंह, श्रीमान रविराज जी लब्बन सिंह, श्रीमान एम एल जी लब्बन सिंह, राजगढ़ के जिलाध्यक्ष सम्माननीय श्री मोहन जी लब्बन सिंह एवं उनके सभी साथी। इंदौर से पधारे हमारे जिलाध्यक्ष महोदय एवं उनके सभी साथी। देवास जिला से पधारे जिलाध्यक्ष एवं जिलाध्यक्ष श्रीमान दिनेश लोवंशी एवं उनके सभी साथी। खंडवा से पधारे जिलाध्यक्ष श्रीमान लाल सिंह एवं उनके सभी साथी एवं हमारे संगठन को प्रदेश में ऊर्जा देने वाले हमारे प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व जिलाध्यक्ष श्रीमान विवेक जी, जिला पूर्व अध्यक्ष श्रीमान राकेश वर्मा जी, पूर्व जिलाध्यक्ष श्रीमान कृष्ण कुमार पटेल जी, पूर्व जिलाध्यक्ष श्रीमान तरुण पटेल जी जो कि आज आए नहीं है यहाँ, श्रीमान ईश्वर जमीदार जी, श्रीमान राजनारायण जी लोवंशी होशंगाबाद, श्रीमान सुनील साथी ग्राम झगड़ा से और होशंगाबाद जिले के जिलाध्यक्ष श्रीमान मेरे प्रिय साथी रामशंकर जी लोधा एवं उनके सभी 55 पदाधिकारी जिले के एवं सभी 35 ग्राम इकाई के अध्यक्ष महोदय एवं उनके पदाधिकारी गण और 3 नगर इकाई है यहाँ की जगह उनके अध्यक्ष एवं उनकी सभी कार्यकारिणी मेरे सबसे चहेते मेरे लाडले सभी ग्राम समितियों के अध्यक्ष पदाधिकारी गण एवं आपको जानकर खुशी होगी कि इस लोधा लोवंशी युवा संगठन जिला होशंगाबाद में 16 साल से 45 साल के पूरे 5,500 युवा सम्मिलित है इस संगठन में। क्योंकि ये कार्यक्रम छोटा था और व्यवस्थाएं अपने आप में मायने रखती है, केवल हमने ग्राम के अध्यक्ष और सचिव को यहाँ आमंत्रित किए थे, बाकी इस संगठन के अंदर 5,500 युवा है। मैं अजीत सिंह लोवंशी दोनों हाथ जोड़ के नतमस्तक होकर इस कार्यक्रम में हृदय की गहराइयों से आप लोगों का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही आज तमाम लोगों को आज के इस कार्यक्रम की शुभकामनाएं देता हूं। संघर्षों के साये में इतिहास हमारा पलता है, संघर्षों के साये में इतिहास हमारा पलता है, जिस और जवानी मिलती है उस और जमाना चलता है। मेरे साथियों, मेरा स्वभाव सुई के समान है, मेरे साथियों मेरा स्वभाव सुई के समान है और सुई छोटी जरूर होती है लेकिन वो जोड़ने का काम करती है। ऐसा भाव लेकर आज से 22 साल पहले मैंने इस संगठन की नींव रखी है और मेरा साथ दिया है ये जो दीवार पर लिखे हुए हैं मेरे साथी और मेरे युवा जो नहीं इसमें हैं लेकिन उन्हें कंधे से कंधा मिलाकर इस संगठन की इस संगठन को यहां तक लाए हैं। मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन
गर्म खून है, लेकिन इस लोधा समाज के युवाओं का भी विकास। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं, ये हमारी जन्मभूमि भी है, हमारी कर्मभूमि भी है। मैं पुनः जो पधारे हैं बाहर से जिले के मेरे अतिथिगण, मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। और जितने भी हमारे इस होशंगाबाद जिले से पधारे हुए अतिथि हैं, उनका भी मैं कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं। और जो ग्राम समिति सेक्टर ने ये कार्यक्रम पूरी जिला समिति ने नहीं किया है, ये बताना चाहूंगा मैं कि पावरफुल जिला संगठन है ये। केवल 4-5 गांव के युवाओं ने मिलकर इतना बड़ा कार्यक्रम किया है। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जब ये जनगणना का काम तो घर घर जाके मेरे साथियों ने कर लिया, मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। अब इस जनगणना के बाद इस किताब ये किताब प्रिंट होगी मल्टी कलर देवसों प्रेस्टो में, और उस किताब का विमोचन आप लोगों की उपस्थिति में होगा। और मैं आपसे आज ही प्रार्थना करता हूं कि उस कार्यक्रम में भी आप ऐसी गरिमामय उपस्थिति प्रदान करें। छोटी मोटी गलतियां सबसे होती है, आप किसी प्रकार का बुरा ना माने, है ना। और हमें साथ चलना है, साथ रहना है, ये बहुत गर्व की बात है। आज हमारा जिला कृतज्ञ हो गया आप लोगों के पधारने से। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद।